बस माँ यहाँ पहुंच जाए तो फिर अपने हाथों के बने लड्डू खिलाऊंगा मैं। स्वादिष्ट स्वादिष्ट बने हैं ये लड्डू। अरे वाह, स्वादिष्ट लड्डू। विवाह का असली आनंद तो भोजन में है वरुण। सही कहा। गरुड़ थोड़े और बना दो ना, तुम तो जानते ही हो कि मंथन के बाद कितने थक गए हैं हम। क्यों देवताओं? सही कहा देवराज। अभी बना दो देवराज। चल गरुड़ शीघ्र हाथ चला, देवता आ गए हैं तो पीछे पीछे असुर भी पहुंचते ही होंगे, और एक बार असुर यहां आ गए तो माँ के पास जाने के लिए समय निकालना और अधिक कठिन हो जाएगा, पर उन्हें लेने तो मुझे जाना ही होगा। नारायण 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 नारायण। नारद के स्वर से लग रहा है कि वो लौट रहे हैं बिना हमें निमंत्रण दिए हुए। निकट आकर बिना निमंत्रण दिए लौट गए नारद। वैसे भी हमें कौन सा जाना था मां, उससे कोई अंतर नहीं पड़ता। निमंत्रण ना देना हमारा अपमान है, पर इनके लक्षणों और गोपनीय संकेतों को देखकर तो मुझे यही लगता है कि जैसे हमें आज निमंत्रण नहीं मिला है वैसे ही हमें अमृत भी नहीं मिलेगा। लेकिन अब तो मुझे भी यही संदेह हो रहा है। आज पूजा करते समय बार बार मुझे गुरुदेव का ध्यान हो रहा था। उन्होंने कितनी बार चेतावनी दी थी हमें, इस मंथन में भाग लेना हम असुरों के लिए हितकारी नहीं होगा। इच्छा तो मेरी भी नहीं थी पली, पर तुमने मेरा सुझाव नहीं माना। गुरुदेव की इच्छा के विरुद्ध, उनकी आज्ञा के बिना यह निर्णय लिया, इसीलिए ये शंका हो रही है। मैं उनसे भेंट करने जाऊंगा और मैं विवाह में सम्मिलित होने जाऊंगी। महर्षि कश्यप की पत्नी होने के नाते बिना निमंत्रण जाने का अधिकार है मेरा, और वैसे हम में से किसी एक को तो वहां पर होना चाहिए जो उनकी गतिविधियों पर दृष्टि रख सके। मुझे पूरा विश्वास है कि अदिति दीदी नियमों का उल्लंघन नहीं करेगी, पर कदरू कदरू ऐसे किसी भी अवसर को अपने हाथों से जाने नहीं दे सकती जिसमें उसके पुत्रों का हित हो, फिर चाहे उसे नैतिक अनैतिक कोई भी मार्ग क्यों ना अपनाना पड़े। और वो विंदा का पुत्र गरुड़, वो भी तो विष्णु के बहुत निकट आ गया है। मैं नहीं चाहती कि ये सब कोई योजना बनाकर हमारे साथ छल कर दे और अमृत पाने का अधिकार हमसे छीन ले। अरुण, आज उसकी इन बूंदों में खारापन नहीं मिठास है। नारायण नारायण
नारद मुनि इतनी प्रातःकाल यहाँ क्यों आए हैं? मुनिवर आप? पुत्र इतने समय बाद अपनी माँ को सुखी देखता है तो उसकी आंखों में आंसू तो आते हैं पर प्रसन्नता के। उसका अजल कभी खारा ना हो, आपके और आपके पुत्रों की आंखों में दुख आंसू बनकर कभी ना छलके। नारायण नारायण। मुनिवर आइए ना, भीतर आइए, पधारिए। माँ बेटे सदा एक ही काम करते हैं, बस आशीर्वाद बटोरते रहते हैं। अब आशीर्वाद के लिए नारद जी के सामने स्वांग करेगी वो। मुझे शीघ्रता पूर्वक तैयार होकर मामा श्री विष्णु के विवाह के लिए निकलना है। अंग वस्त्र हो गया, सर्वश्रेष्ठ वस्त्र पहनूंगा मैं मामा जी के विवाह में। प्रभु तो तैयार भी हो गए, पर मैं क्या करूं? इन्हें ले जाने के लिए मैं कैसे तैयार हूं? प्रभु आमंत्रण तो सब परिवार आने के लिए था ना, आप अकेले जाएंगे तो अच्छा नहीं लगेगा, आपको कार्तिकेय भैया के साथ जाना चाहिए ना? बात तो सही कह रहे हैं आप, और मयूर जी पर पहुंचूंगा भी शीघ्र। कार्तिकेय भैया तो मामा श्री विष्णु के विवाह में चले गए, अब मैं कैसे जाऊंगा? प्रभु माँ के साथ जाइए, आप साथ रहेंगे तो उनकी सुविधा का ध्यान रख पाएंगे। सुझाव तो ये भी अच्छा है। माँ माँ, ओहो माँ तो पहले ही चली गई मामा श्री विष्णु के विवाह में। स्त्रियों के बिना किसी भी उत्सव की शोभा ही नहीं होती प्रभु, इसीलिए तो विवाह जैसे उत्सवों में स्त्रियाँ सबसे पहले जाती हैं। प्रभु बहुत ही उत्तम विचार आया है मस्तिष्क में, आप महादेव के साथ चले जाइए, नंदी भैया ले जा रहे होंगे उन्हें। पिताश्री से पूछने का साहस नहीं है मुझ में, आप पूछिए। आपका उनके साथ न जाना मेरे लिए समस्या बन जाएगा, इसलिए ये आवश्यक है कि उनके जाने से पहले मैं उनके पास जाऊं। चलिए प्रभु। मुझ पर ही क्रोधित ना हो जाए प्रभु। प्रभु क्या हुआ मूषक जी, पूछा पिताश्री से? नहीं प्रभु साहस ही नहीं हुआ। सब जा चुके हैं मामा श्री विष्णु के विवाह के लिए, अब हमें भी चलना चाहिए मूषक जी। प्रभु अब मुझे ही आपको मामा श्री विष्णु के विवाह में ले जाना पड़ेगा। आप गरुड़ के बारे में जानने के लिए व्याकुल है ना? अपने सेवा भाव के बल से आपका पुत्र कुछ ऐसे असंभव कार्य करने में सफल रहा है कि वो प्रभु का बहुत ही प्रिय बन गया है।
बस मुनिवर, और मत सुनाइए मुझे। पर अपने पुत्र की सफलता की कथाएं सुनने का एक माँ का परम ध्येय होता है, फिर आप क्यों? क्योंकि भय लगता है मुझे। इतनी प्रशंसा सुनकर कहीं मेरी दृष्टि ना लग जाए मेरे पुत्र को। अपने मन से यह भ्रम निकाल दीजिए देवी बिंता। आपके कारण आपके दोनों पुत्रों का कोई अहित अब नहीं कर पाएगा। नौरत मुनि मेरे महल में आने की जगह पर इस दासी की कुटिया में क्यों गए? गुरु दत्तात्रेय ने जो आपको आशीर्वाद दिया था वो अवश्य ही फलीभूत होगा। समय आ गया है और मुझे पूरा विश्वास आप शीघ्र ही अपनी दासता से मुक्त होंगी। ऐसे रिक्थान से जाएंगी, कहीं उत्तम अवसर खो ना दें आप। ये लेते जाइए माँ, और यदि आप सही समझे तो मुनि नारद के इससे पांव धोकर पखार दीजिएगा। आप तो जानती ही हैं कि ऋषि मुनि ऐसी साधारण बातों से प्रसन्न हो जाते हैं। अब सोचने में समय व्यर्थ मत कीजिए, या तो ये कार्य विंता माता करती हैं, नहीं तो करुड़। पर हमारा मानना है माँ कि इस बार ये कार्य आप पहले करके मुनि नारद का आशीर्वाद प्राप्त कर ही लीजिए। ये हुई ना बात, अब तुम दोनों बिल्कुल मेरी तरह सोच रहे हो। मैं तो बस अब एक ही आशीर्वाद चाहिए माँ, कि अब हमारी सोच आपके समान कभी ना हो। मुझे भगवान दत्तात्रेय के दर्शन मिल गए, मेरे लिए तो बस यही पर्याप्त है मुनिवर। नारायण नारायण। ये तो नारद मुनि से भी यही कह रही है कि इसके लिए दत्तात्रेय के दर्शन ही पर्याप्त है, और इनसे असत्य तो कभी नहीं बोलेगी। इसका अर्थ है कि इसे सच में दत्तात्रेय से कोई आशीर्वाद नहीं मिला। इससे अधिक अमहत्वाकांक्षी स्त्री कोई नहीं देखी मैंने, और इसका पुत्र है ये सफलता प्राप्त करता ही जा रहा है। प्रणाम मुनिवर। कृपया मुझे अपने पाँव पकाने का सौभाग्य प्रदान करें। जो कार्य पूरे मन से ना किया जाए उसका फल नहीं मिलता देवी कद्रू। यदि आपकी यही इच्छा है तो मैं कैसे अस्वीकार कर सकता हूं देवी। आपके मुख पर धब्बा कैसा है देवी? मुनिवर वो ये आपके भीतर का रोग है देवी, जो बाहर प्रकट हो रहा है। कृपया अपने मन की शुद्धता पर ध्यान दीजिए। नारायण नारायण। नारद मुनि ऐसा क्यों बोल रहे हैं? कहीं विंता ने इन्हें मेरे विरुद्ध तो नहीं कर दिया है? भगवान महादेव और उनके परिवार का विवाह घर में स्वागत है। महादेव, देवी पार्वती,
आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। महादेव, आपके सखा को अपने सखा की बहुत आवश्यकता थी। जब तक मित्र और आत्मीय जन अपनी प्रसन्नता में सम्मिलित ना हो, प्रसन्नता चाहे कितनी भी अपार क्यों ना, कुछ कमी रह जाती है। इस शुभ समय की प्रतीक्षा समस्त जगत को ही नहीं, मुझे भी थी सखा। आपकी विवाह की सूचना प्राप्त होते ही मुझसे एक क्षण भी रुका नहीं गया। प्रणाम मामा जी, विवाह की बहुत बहुत बधाई आपको। कार्तिकेय, तुम्हारा स्वागत है पुत्र। अब तुम आ गए हो तो वैकुंठ में भी उल्लास का रंग चढ़ जाएगा। परंतु कार्तिकेय भैया, प्रभु गणपति दिखाई नहीं दे रहे। उत्साहित तो वो भी बहुत था गरुड़, आता ही होगा। परम प्रभु और प्रभु प्रिया के गठबंधन की बेला आई, पाणी ग्रहण है हरि लक्ष्मी का, सबको बहुत बहुत बधाई। हर विष्णु भक्त का स्वागत होगा, आप विशेषकर आमंत्रित हैं, सम्मिलित अवश्य हो, प्रसन्नता बांटे, बस यही अपेक्षित है। नारायण नारायण। इतने शुभ अवसर पर आंसू क्यों बहा रही हो तुम? ये तो प्रसन्नता के आंसू है दीदी। आप नहीं जानती गरुड़ और मैं कब से इस क्षण की प्रतीक्षा कर रहे थे। जब से वो लौटा था उसके मन में बस एक ही इच्छा थी कि वो माँ लक्ष्मी के दर्शन कर पाए, और उसकी ये इच्छा पूरी भी हुई। अपितु सत्य तो ये है कि प्रभु और माँ को मिलाने में गरुड़ ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। जब मैं इसे लेकर प्रभु के पास पहुंचूंगा तो वो कितने प्रसन्न हो जाएंगे। निर्जीव होते हुए भी पायल उनके अधरों पर आशा का, आंखों में भविष्य की झांकी का और हृदय में संकल्प का संचार कर देगी। उनका मन विश्वास से भर उठेगा और उनका आत्मबल और भी प्रखर हो जाएगा। गरुड़ के कारण ही तो आज पूरा संसार प्रभु विष्णु और माँ लक्ष्मी के विवाह का साक्षी हो पाएगा। नारायण नारायण। मैं कृतार्थ हो गई मुनिवर, मेरे पुत्र ने जो किया है उससे अधिक गर्व की बात एक माँ के लिए और क्या हो सकती है। माँ लक्ष्मी के पांव में पायल पहनाने में सहायता किया, माँ के पाँव में तो शिवता और सुख होता है। कितना भाग्यवान है ना गरुड़। मूर्खो, भाग्यवान नहीं भाग्यहीन है। हमने अपना सारा समय उस पुट्ठे के ध्यान में व्यतीत कर दिया और उस पुट्ठे ने हमें जाने से पहले आशीर्वाद भी नहीं दिया। वही समय हमें मंथन में देना चाहिए था। मूर्ख कहेंगे। अब आप सब विवाह में जाने की तैयारी कीजिए, और वो भी सपरिवार। मैं चलता हूं। नारायण नारायण। गरुड़ के कारण मुझे परम पिता परम प्रभु नारायण और माँ लक्ष्मी के दर्शन होंगे, और मैं अपने पुत्र अरुण से भी मिल पाऊंगी। भूल मत कि तू एक दासी है विंता, और दासी अपनी स्वामिनी की आज्ञा के बिना कहीं नहीं जा सकती है। ठीक है, मैं भी देखती हूं तू कैसे विवाह में जाएगी।